मोरलेस सभी क्वेश्चंस इस बात से रिलेटेड हैं कि क्या चुनाव के लिए भूमिका तैयार है, क्या कोई खतरे तो नहीं हैं, हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। मोटी ये बात यही है। देखिए, सभी पार्टीज ने एक सुर में कहा कि चुनाव हमें उन्हें जल्दी से जल्दी चाहिए। सभी जो हालात हैं, जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए उसमें जो दशकों के बाद नज़ारे देखने को मिले उसके ऊपर में हमें बिल्ट करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों ने जो प्रश्न हमसे पूछा गया था सबने कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको कोई परेशानी है, परेशानियां हैं लेकिन चुनाव नहीं कराएं ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो उसके चैलेंजेस अपनी जगह हैं। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए हैं चुनाव में के माहौल में दखल डालने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से, लेकिन वो किसी भी सूरत में चुनाव को होने को दखल नहीं दे सकते, उसको टालने का आधार नहीं हो सकते। पर ऐसे कोई भी सिचुएशन हो उसको प्रशासन डील करने के लिए सक्षम होना चाहिए और सक्षम है। जो किस स्टेट के चुनाव कब कराएंगे ये मुद्दा डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्टेट की असेंबली का टर्म कब खत्म हो रहा है। इस साल में जो 4-5 स्टेट के चुनाव आने वाले हैं उनकी अलग अलग टाइम लाइन्स हैं और उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। जहाँ तक आपने पूछा सबसे पहले कि यहाँ के चुनाव का ऐलान के बारे में, हमारा स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया, यात्रा भी 19 के बाद ख़त्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे और उसके बाद जैसी प्रथा है सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस चैलेंजेस एक पॉजिटिव हैं और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। एवरीबडी इन द फील्ड हैज़ बीन डायरेक्टेड दैट यू गो प्रोएक्टिव इन मेकिंग अरेंजमेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन, इन मेकिंग अरेंजमेंट्स इन द वोटर लिस्ट, स्वीप एक्टिविटीज, गो टू कॉलेजेस, गो टू यूथ कनेक्ट। आज हम भी गए, सबसे पहले आते समय हमने भी वोटर्स से, यंग वोटर्स से कनेक्ट किया, कहा और इतना एंथुजियाज्म था उनके अंदर, बोल रहे थे हम अपने तो आएंगे आएंगे, अपने साथ में 8-10 लोगों को और लेके आएंगे। तो ये जो तस्वीर है इस तस्वीर को आगे बढ़ाना और इसको इलेक्शन की में कन्वर्ट करना, वोटिंग में सबको माहौल देना, ये हमारा काम है और ये चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल खुशी से तैयार है। सर, वी हैव बीन जॉइंड बाय सम मीडिया फ्रेंड्स फ्रॉम श्रीनगर ऑल्सो। वी विल टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम देयर ऑल्सो। फर्स्ट फ्रॉम द मीडिया फ्रेंड्स फ्रॉम श्रीनगर। सर, माई नेम इज नजीर मसूदी, आई एम फ्रॉम NDTV। द बैनर रीडिंग बिहाइंड यू क्लियरली सेज यू आर होल्डिंग दिस इलेक्शन असेंबली इलेक्शन 2024 दिस ईयर ओनली। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अ डेडलाइन और डायरेक्शन टू यू दैट इलेक्शंस हैव टू बी कंक्लूडेड बिफोर 30 सितंबर। Are you prepared for that, or you may go back to Supreme Court and seek more time? Person, any other media person from Srinagar? Any other media person have a query from Srinagar? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, या ऑडिबल, थैंक यू। हाय सर, माय नेम इज ज़हरा, आई एम फ्रॉम पीटीआई। लास्ट टाइम व्हेन लोकसभा इलेक्शंस हैपेंड वी ऑब्जर्व दैट द नॉन माइग्रेंट कश्मीरीज द वोट दे वर द नेम्स वर मिसिंग फ्रॉम द वोटर लिस्ट।
So, what is being done in the assembly elections for that? Say again, please. Just repeat your question. Madam, kindly repeat your question. Sir, last time when Lok Sabha elections happened, the names of non-migrant Kashmiris, their names were missing from the voter list. So, will that be taken into consideration this time? No, no, she's talking about non-migrants. Non-migrants. Those who are already living here. All right. Understood. मेरा नाम रेखा अब्दुल्ला है और मेरा सवाल ये है कि क्या अभी भी हम ये कहें कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, जिससे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं यहाँ पे इलेक्शंस हों, लेकिन स्क्रूटनी का रिव्यू जो है वो दिल्ली में किया जाएगा, क्या अभी भी एमएचए का कंसेंट नहीं मिला है या एमएचए से पूछना पड़ेगा कि क्या सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे इलेक्शन कराए जाए? जिस तरीके से नजीर साहब ने पूछा था आपसे, क्या आप इसे सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन तो भी है बिफोर सेप्टेम्बर और आपको 30 सेप्टेम्बर। थैंक यू। इफ द मीडिया पर्सन देयर एट श्रीनगर हैज एनी अदर क्वेश्चन, वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम देयर। एम आई ऑडिबल? यस यस। Good afternoon, sir. Good afternoon to all of the ECI officials sitting there. So, मेरा प्रश्न है, हमने पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में बदलाव नजर आए हैं, तो उस पर आपके कुछ एडिशनल मेजर्स आप ले रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए, और क्या इलेक्टोरल प्रोसेस पे उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अफेक्टेड रीजन्स में? आपका मैडम क्वेश्चन ऑडिबल नहीं था, थोड़ा सा यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? सर, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा जम्मू रीजन में हालात बदले हुए हमें नजर आए, वहां सर्ज हुआ टेरर अटैक्स था, तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या उसके लिए कुछ एडिशनल मेजर्स लिए जा रहे हैं इन चैलेंजेस को कूप करने के लिए, और उसके साथ साथ इलेक्टोरल प्रोसेस में उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा अफेक्टेड एरियाज में? ठीक, किसी को समझ गया? यस सर, आई विल रिपीट सर। शी इज आस्किंग देयर हैव बीन सम टेरर अटैक्स इन जम्मू दैट विल इंपैक्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस और व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर दैट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, ये मैं सोहेल बोल रहा हूँ टाइम जोन नवभारत से। जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के साथ आपकी कमीशन की बातचीत हुई कल यहाँ श्रीनगर में, तो पर्टिकुलरली जम्मू रीजन से किस तरह का फीडबैक मिला ऑन ग्राउंड? जो मेरी कुलीग ने भी पूछा था कि जो टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या कमीशन को इस तरह का फीडबैक मिला कि उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं इलेक्शन? Sir, any feedback from the district SPs also, if such kind of attacks can impact the elections? So, thank you. From Srinagar, आपने पहले डेडलाइन के बारे में पूछा, दूसरे टाइमिंग के बारे में पूछा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि समय बिल्कुल राइप है और हम जो भी पुरानी उपलब्धियां हैं उनके ऊपर में बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। अब जाके दिल्ली में थोड़ी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की रिव्यू हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, और जो डेडलाइंस हैं उन सबको भी ध्यान में रखेंगे, जो उसके बारे में जो भी सूचना है वो आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब भी करेंगे उसके माध्यम से देंगे। दो प्रश्न पूछे आपने एक नेम्स मिसिंग के बारे में। अभी SSR का कार्य चल रहा है, जिस किसी का भी नाम मिसिंग है विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2024 इज द क्वालिफाइंग डेट, यानी पूरे राज्य में जो भी वोटर, जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं 1 जुलाई 2024 को, वो सभी वोटर बन सकते हैं। तो ये SSR का कार्य चल रहा है, 20 तारीख को कंप्लीट होगा, फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड। आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है सबसे कि सब लोग अपना नाम उसमें चेक कर लें, ये भी चेक कर लें, अपना बूथ भी चेक कर लें, हर चीज़ चेक कर लें। हमें लगता है कि जो इंटेंसिव कार्रवाई हुई है उसमें वो नाम शामिल हो गए होंगे, और जिन लोगों के नाम अगर किसी वजह से नहीं थे उन्होंने उसमें फॉर्म्स रिलेवेंट भर के शामिल करा लिए होंगे। बाय द वे, किसी का नाम अभी भी छूट जाता है तो भी आगे समय है वो नाम भर के
कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बात करके एआरओ के साथ में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, दैट फैसिलिटी वुड रिमेन अवेलेबल. अबाउट दी वायलेंस एंड अबाउट दी सम टेरर अटैक्स अबाउट एंड द इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस, देखिए जब सफलता मिलती है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो नेफेरियस एक्टिव नेफेरियस डिजाइंस उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, सबके लिए जानकारी है. उन सबका चुनावों के ऊपर में कोई असर ना पड़ना चाहिए ना पड़ सकता है. वी आर कॉन्फिडेंट आफ्टर आर रिव्यू एंड ऑल्सो इन अवर रिजॉल्व दैट सच एक्टिविटी whatever may be the design of such activities, even if the design is to disrupt the process of elections, that cannot be allowed to happen. जो नज़ारे हमने 2024 के चुनाव में मई में और जून में अक्टूबर अप्रैल और मई में देखे थे, जो लाइन्स हमने देखी थी, जो सबके चेहरों पे हमने एक पार्टिसिपेट करने की झलक देखी थी, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से पीछे नहीं हट सकती. दैट इज़ व्हाट वी कैन टेल यू विद फुल कमिटमेंट एंड रिजॉल्व दैट नथिंग विल बी अलाउड टू डिसरप्ट द इलेक्शंस. नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी. जब जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग द बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा. दीज विल थिंग्स विल नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस एट ऑल. आर फोर्सेज एंड एवरीबडी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैपेबल एनफ टू डील विद एनी सिचुएशन दैट कम्स इन द वे. जो जमहूरियत का झंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा. लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था. उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं. उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी ख़त्म नहीं हुई है. उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब जे एंड के का चुनाव कब कराया जाना चाहिए. फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्ता यहाँ आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है. दैट इज़ वाई वी आर हियर. अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है. दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न, ये जमहूरियत की जो चमक देखी उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है. पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है. खास तौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो अभी मई में होके चुके हैं. आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है. आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है. नई मंजिलें, नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है. और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते. पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं. वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट. We are sure people of J&K will give a befitting response to disruptive forces. और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे. मैं आपके माध्यम से
सबको बताऊंगा कि दो कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुलाकात की, हमने 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप बीजेपी, बीएसपी, सीआईपीएम, सीपीआईएम, आईएनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जे एंड के नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड जे एंड के नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरी आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी जिससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। इसी के क्रम में सभी पार्टीज का यूनैनिमसली अगेन ऑल उनका कहना था कि अब अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि जे एंड के में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों की जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए, ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीज़ों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज़्यादा मिले, इस तरह का ना हो, सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज़्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए सो दैट खुल के लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, चाहे वो किसी भी दल के हों, और एक डेमोक्रेसी की जो डीपनिंग है वो हो सके, तो बराबर की सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। ये भी मांग थी लोगों की, ये वैसे ज़्यादातर जगह में नहीं है ऐसा, कहना था जहाँ भी बचा हुआ है वहाँ सारे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर किए जाएँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमें बताया कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ लोगों को ज़्यादा चलना पड़ा, तो उनका मानना था कि अगर 2 किलोमीटर के अंदर में पोलिंग स्टेशंस होंगे तो लोगों को वोट देने आने के लिए और ज़्यादा सुविधा होगी। पोलिंग स्टेशंस पर सभी का मानना था कि एएमएफ की सुविधाएं अच्छी थी, लेकिन थोड़ा कुर्सी, थोड़ा बैठने की जगह और ज़्यादा की जाए, ये भी उनकी मांग थी। एक स्पेसिफिक मांग ये थी एक पॉलिटिकल पार्टी की कि चुनाव से पहले दिन कुछ बूथ्स को क्लब कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पजेस से, यानी 2-3 बूथ को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वोटर्स को परेशानी होती है ढूंढने में लास्ट मिनट पर, ऐसा ना किया जाए। अनदर डिमांड वाज दैट सभी बूथ्स का 100% सीसीटीवी कवरेज कराया जाए। ये मांग भी लगभग लगभग काफ़ी लोगों की थी, सभी की थी। नोमेडिक ट्राइब्स जो इस समय में अपर रीजन में गए हुए हैं, शेड्यूल ऐसे फिक्स किया जाए जो उनकी भागीदारी पूरी हो सके, ये भी एक मांग थी। ये जितने मुद्दे थे मेन मैंने आपको बताए, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको आने वाले अपने वक्तव्य में बताऊंगा। इससे पहले जस्ट टू गिव यू द ब्रॉड पिक्चर, देर आर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जे एंड के, ऑफ विच 74 आर जनरल। एसटी की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एससी की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर इलेक्टोरल रोल्स का डाटा देखें तो ये कार्रवाई अभी चल रही है, हमने समय रहते ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। 19 अगस्त को यात्रा ख़त्म होगी और 20 अगस्त को ही, ये पहले से प्लान किया था 1.5-2 महीना पहले इसी प्रकार से, कि 20 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो जाएगा, यानी कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन से लोग, कितने वोटर्स कहाँ पर है, किस जगह में, इसका फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा और इसकी कॉपीज़ भी
फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी जाएंगी. दिस इज़ ए मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज. सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज फॉर दी वोटर्स विल बी अवेलेबल. दैट मीन्स क्या क्या अवेलेबल होगा? पीने का पानी होगा, बैठने की जगह होगी, शौचालय होगा, शेड होगा, शेड की जहाँ जहाँ जरूरत, और एक रैंप भी होगी जिससे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इजीली वहाँ जा सकें. सभी बुजुर्गों के लिए एक व्हीलचेयर की और बाकी वॉलंटियर की भी सुविधा रहेगी. हम अगर अपने सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, पैन इंडिया लेवल पे कमीशन ने इस बार ये व्यवस्था की थी कि 85 से जितने भी लोग उम्र के हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके घर जाकर हम उनका वोट लें. इट इज़ वेरी वेल रिसीव थ्रू आउट द कंट्री एंड दो एक्सपीरियंसेस सामने में आते हैं. उस एज में अधिकांश हमारे जो सीनियर वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं. उनको लगता है, जैसे हमने असेसमेंट किया, दे वेरी हैप्पी कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन बिकॉज दैट इज़ वन प्लेस जहाँ सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, घर से बाहर निकलना होता है. लेकिन जिस किसी को भी ये सुविधा घर के अंदर चाहिए उसके यहाँ फॉर्म्स पहुँचाए जाएंगे 100% ऑल द 85 प्लस वोटर्स, और जो ये ऑप्शंस देंगे कि हमें घर से वोटिंग करनी है उनको पूरे चुनाव के दौरान ये वोटिंग कराई जाएगी. एक और हमने प्रयास किया था इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कश्मीर रिलेटेड, कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको परेशानी होती थी, एक फॉर्म एम भरना पड़ता था और सत्यापन कराना पड़ता था, वो दोनों हमने हटाई थी सुविधाएं, मतलब जो कम्बरसम प्रोसेस था, और उसके बहुत पॉजिटिव हमें आउटकम भी मिले, भागीदारी भी बढ़ी, और ये व्यवस्था अब इस बार भी चालू रहेगी, यहाँ भी चालू रहेगी. और फैसिलिटेशन जो बाहर में आउटसाइड जम्मू है, उधमपुर, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा. वो दिल्ली में, बंगलौर में, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ उनकी वोट की पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर डायरेक्शंस हमने दी, चाहे तो वो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हों, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जितने मुद्दे उठाए उनके बारे में हो, तो सबसे पहले ड्रग्स का जो मिसयूज़ स्टेट में बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है. हम ये सोचते हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब हमारी एमसीसी लगेगी, हमने सख्त ताकीद दी है कि अब उसको बहुत सख्त कार्यवाही की जाए उन लोगों के ऊपर. कल भी हमने सारा दिन अपने डीएम्स एसपीस को ये ताकीद की थी, क्योंकि पूरी की पूरी बच्चों को, जनरेशन को ख़राब होने नहीं दिया जा सकता बाई दी मैनेज ऑफ ड्रग्स. और हमें ये उम्मीद है कि उस पर पूरी कंट्री में, आपको पता है कि हमने इलेक्शंस के दौरान करीब करीब पार्लियामेंट में 10,000 करोड़ का सीजर किया था. मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर सुना हो 3 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब काउंटिंग से एक दिन पहले की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ पूरे वर्ल्ड में वोटर्स का, फीमेल वोटर्स का, रीपोल्स ना होने का, अहिंसा ना होने का, जिसमें कश्मीर भी अपने आप में एक उदाहरण था. सो ड्रग्स के बारे में वी आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सीरियस. और मुझे एक सूचना मिली अभी आते आते कि इस पर एक्शन शुरू भी हो गया है, आपको पता लगेगा जल्दी ही, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्शन आज ही शुरू हो गया है. मैं अभी जो कंसर्न लोग हैं वो आपको बताएंगे. सिमिलरली लीकर के बारे में, चाहे वो विद इन द स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, दे वुड बी स्ट्रिक्ट विजिल बाई द एनफोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द नियर बाई स्टेट. सीसीटीवी कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे. जहाँ शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशन वुड हैव सीसीटीवी कवरेज. दैट इज वॉट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है. ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए.
ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें. नहीं, ये दिस इज़ नॉट प्रॉपर. उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं. स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले. लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दे दी गई हैं. दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस. सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे, पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे जो हमसे कहा गया था उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे. कोई एक दो बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए. जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी. नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज़्यादा करने की, हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए. ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव वेरी वेरी क्लियरली बीन टोल्ड SPs, ऑल DIGs, ऑल पुलिस फोर्स कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है. अगर हमारे संज्ञान में कोई भी ये घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स. पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसकी वजह से कंप्लसेंट होने की जरूरत नहीं है उनको, उससे ऊपर जाना है. दिस ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली टू एवरी वन ऑफ देम. फेक न्यूज़ का कारोबार तो चलता ही है, फिर चलेगा. निगेटिव नैरेटिव्स बनाने का भी कारोबार चलता है, चलेगा. उसमें तेजी आने की भी उम्मीद है, जैसे सेंसेक्स में तेजी आती है उसमें भी तेजी आएगी. हर डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर उस इशू को ज्वाइन करना है, वहाँ बताना है उनको कि इस तरीके की चीज़ गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होके एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे. द एंटायर डायरेक्शन इज़ कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने ना दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए. सारांश में, चुनाव जैसे आप सब जानते हैं हमारे लिए त्यौहार है, और जो त्यौहार की शक्ल हमें इस बार यहाँ नज़र आई उसके वजह से ये और बड़ा एक त्यौहार होने वाला है, ये हम बहुत आश्वस्त हैं. और हमारी ये भूमिका है, हमारी ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उसको और अच्छे से निभाएं. देयरफॉर एवरीवन इन द फील्ड, ऑल स्टेट एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SPs, एवरीवन एंड इंक्लूडिंग अस हैव बीन टोल्ड दैट सुकून से इलेक्शन हो, जैसे कोई रीपोलिंग की संभावनाएं ना हो, लोगों का फैसिलिटेशन अच्छा हो, और अगर कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसको जितनी सख्ती से निमट सकते हैं उतनी सख्ती से निमटना चाहिए. Nobody should be allowed to derail the election, क्योंकि वोट की ताकत ही सब कुछ है. अंत में यही कहूँगा कि जमहूरियत का सफ़र गोया यूं ही चलता रहे, लंबी कतारों में चमकती आंखों का नूर यूं ही कायम रहे, हर चेहरा उम्मीद से यूं ही रोशन रहे, वोट की ताकत यूं ही हिंसा के नापाक इरादों को शिकस्त देती रहे. थैंक यू.